there are some sins that you commit that you can't come back from, you know? No matter how hard you try, you just can't. It's not safe for you to be here, ma'am. There's bodies all over the city tonight. Bodies? You want to know who you are? We'll find out, you know, sooner or later. Rumors continue to swirl about a violent clash between forces of the U.S. military and an unknown adversary. It was so big, like Hulk. Yeah. Like, get out of here. And I will. आखिर क्या होगा वेनम 2 मूवी का ऑफिशियल टाइटल? क्या कहना है मूवी मेकर्स का इस मूवी के पोस्टपोन होने के बाद मूवी के एडिटिंग के बारे में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, चलिए कहें कुछ अनकहा, सुनाए कुछ अनसुना। मैं पलक गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की एक काफी ज्यादा फेमस और चर्चित मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो फिल्म है और जिस कैरेक्टर को बच्चे काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। सो हॉलीवुड सुपर हीरो के बारे में जब बात करते हैं तो लोगों के मन में दो ही नाम आते हैं, पहला MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और दूसरा है DC यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स। और आज हम बात करेंगे MCU की एक बहुत ही ज्यादा चर्चित अपकमिंग प्रोजेक्ट वेनम 2 लेट्स देयर बी कार्नेज। वेनम मूवी प्रोजेक्ट मार्वल कॉमिक्स का एक ही किरदार वेनम के ऊपर आधारित है और इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है। वेनम 2 मूवी साल 2020 की एक एक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर मूवी मानी जा रही थी, मगर टॉम हार्डी की ये एंटी हीरो मूवी के पास भी वो इम्यूनिटी नहीं थी कि जो कोरोना वायरस के इस कहर से बचा पाए। लेकिन सोनी पिक्चर्स ने ये अनाउंस कर दिया है कि सीक्वल मूवीज को थोड़ा डिले किया जाएगा और उन्होंने उसी के साथ मूवी के ऑफिशियल टाइटल को लॉन्च भी कर दिया है, जिसका नाम है वेनम लेट देयर बी कार्नेज। वेनम 2 मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट 25 जून 2021 बताई गई है और वेनम 2 की फिल्मिंग नवंबर 2019 में शुरू हो गई थी और अप्रैल 2020 में खत्म हो गई थी, तो शायद इस मूवी को और ज्यादा पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। लेकिन मई 2020 के दौरान एंडी सर्किस, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने रिवील किया कि उनके पास बहुत ज्यादा समय है मूवी की एडिटिंग के ऊपर काम करने के लिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, एडिटिंग के ऊपर ज्यादा समय लगेगा क्योंकि ये मूवी कोई ही और बेहतर बनाएगा। और वेनम 2 के कास्ट के बारे में मूवी मेकर्स ने ये भी रिवील किया है कि टॉम हार्डी दोबारा नजर आएंगे, तो आप ये सुन के तो जरूर ही खुश हो गए होंगे। और इस मूवी में अपने एडी ब्रॉक उर्फ वेनम के किरदार में तो वही मिखेल विलियम्स नजर आएंगी एडी की एक्स वाइफ एने वेन के रोल में। आप इस मूवी के बारे में और इसी कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करें ये सिलसिला कहने का और कुछ सुनने का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किस फिल्म या सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो की स्क्रिप्ट अभिषेक मिक्की ने लिखी है। शुक्रिया।